क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहने हैं कि आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों की दुआओं से वो चौथी बार मुख्यमंत्री बने। माननीय मोदी जी कहते हैं कि 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, आजादी का अमृत काल चल रहा है और शताब्दी 25 साल बाद मनाई जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब शताब्दी मिले तब भी यही सरकार रहे। पहले आपको अगले 25 साल तक इसी शिद्दत से, इसी मेहनत से आपको इस सरकार के साथ आपको बने रहना है। किसी के भटकाने, किसी के भरमाने में आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह सरकार पहली बार है। अभी रात के 9 बज रहे हैं, सारे जिला स्तरीय अधिकारीगण हमारे यहाँ बैठे हुए हैं और किसी को नींद आती नहीं दिख रही होगी, सबके अंदर उतना ही जोश है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा कि ये आप लोगों की सेवा का हम लोगों को दुर्लभ मौका मिला। जब हम नौकरी में आए थे बहुत सारे लोग हमारे साथ पढ़ाई कर रहे थे, क्यों मेरा ही सिलेक्शन क्यों हुआ? क्योंकि हमें कहीं न कहीं से नियति में होगा कि मैं अमानगंज में कभी रहूंगा, अमानगंज के लोगों का दुख दर्द मैं दूर करूंगा, उनके लिए मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा था इसलिए मैं ही सिलेक्ट हुआ, क्योंकि भगवान किसी न किसी के निमित्त किसी को बनाता है। देखिए, पन्ना कलेक्टर का जो भाषण है वो बहुत ही दुखद है और चिंता का विषय है कि कैसे मध्य प्रदेश में कलेक्टर के पद पर बैठे अधिकारी भाजपा के समर्थन में, भाजपा के लिए खुले मंच से भाषण दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। ये वो कलेक्टर महोदय हैं जिनके बारे में हाईकोर्ट ने पहले भी कहा है कि ये बीजेपी के एजेंट के रूप में काम करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपनी हाईकोर्ट की उस टिप्पणी को प्रमाणित कर दिया इस तरह का भाषण देके कि 25 साल तक भाजपा की सरकार रहेगी। ऐसे अधिकारियों के लिए ही माननीय कमलनाथ जी कहते हैं कि इन पर सरकार आने के बाद कार्रवाई होगी। और आज जनता ने भी देख लिया कि बीजेपी की सरकार में कुछ अधिकारी कर्मचारी किस तरह से बीजेपी के लिए खुले तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग जनता के हितेशी नहीं है बल्कि अपने पद से सीधे तौर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने वाले लोग हैं। और ऐसे लोगों को मैं मांग करता हूं शिवराज जी से कि वाकई में अगर आपने संविधान की शपथ ली है तो इन पर कार्रवाई कीजिए और पार्टी से ऊपर उठ के सोचिए और ऐसे कलेक्टर को अपने पद से हटाइए, नहीं तो आने वाली सरकार में इन पर कार्रवाई होगी।